दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब। दोस्तों हमने बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए अपनी जो एसे राइटिंग की क्लास शुरू की थी, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे बिहार स्पेशल जो 68th बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था, पानी में मछलियाँ, नौ नौ कुटिया बखरा। पहली चीज़ तो दोस्तों, काफ़ी लोगों को इसका मतलब ही नहीं समझ में आया था, और काफ़ी लोगों को थोड़ा थोड़ा अगर इसका समझ भी आ रहा होगा तो उन्होंने जस्ट बिकॉज कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये सोच के ऐसे को स्किप कर दिया होगा। दोस्तों अगर आपको ऐसी कहावतें मिले जनरली में, हिंदी या इंग्लिश में मिले, और आपको उसका अगर थीम पता चल जाता है तो आप उस पर ऐसे लिख दिया करिए। जैसे कि हमने पिछली बार एक ऐसे किया था, वो मूस मुटहिए लोड़ा होइए, ना हाथी ना घोड़ा होइए, उसका थीम क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस, ये है ना। हमने बात की थी कि किसी भी इंसान या किसी भी प्राणी के अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं, और वो गुण लिमिटेड होते हैं, ऐसा नहीं कि वो अनलिमिटेड गुण होते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर लिमिटेड होगा और उसके बाद उसकी लिमिटेशन शुरू हो जाते हैं। तो मेन थीम यही था और उसके ऊपर हमने ऐसे किया था। यहाँ पर भी आप समझिए, इसका आप मेन थीम जानिए, एग्जैक्ट मीनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेन थीम समझ में आ गया उसके बाद आप अपना ऐसे शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कहावत का मतलब क्या है, पानी में मछलियाँ, नौ नौ कुटिया बखरा। इसका ये मतलब है कि मछली जो है वो अभी भी पानी में है और हम इसके नौ नौ टुकड़े करने पे तुले हुए हैं। दोस्तों आपको एक मूवी याद है, हेरा फेरी आई थी अक्षय कुमार की, परेश रावल की, उसमें याद करिए जब परेश रावल को फ़ोन आता है तो वो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है और सब लोगों को बुला लेता है कि हाँ मेरे इधर प्लास्टिक पेंट करवा दो, मेरा टंकी जो है वो दारू से फुल करवा दो। तो मतलब उसकी अलग ही प्लानिंग चल रही होती है दिमाग में। तो ये सब देख के अक्षय कुमार जाके बोलता है परेश रावल को, बोलता है बाबू भाई ये क्या कर रहे हो, भैंस अभी चारा खा रही है और आप दही बेचने की बात कर रहे हो। तो ये जो अपनी कहावत है ना, पानी में मछरी है, नौ नौ कुटिया बखरा, ये एक्चुअली में वही है जो भैंस और चारा वाला हम बात कर रहे थे, हेरा फेरी वाला, ये वही चीज़ है, ठीक है। तो भोजपुरी में लोग एक्चुअली में ये बोलते हैं, पानी में मछरी है, नौ नौ कुटिया बखरा। ये इसका एक्चुअली में थीम क्या है ना कि दोस्त, कि हम चीज़ों को ऑर्गेनिकली जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होने देना चाहते। हम कभी कभी क्या करते हैं, जल्दबाजी दिखा देते हैं, जिससे वो चीज़ जैसे हो रही थी, जो उसका आउटकम होता वो बेटर होता, हम उसको और ख़राब कर देते हैं। और इसी के बेस्ट पे हम अपना ऐसे करने वाले हैं। अब याद करिए मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी हम अपना आंसर राइटिंग करेंगे, चाहे वो GS1 हो या GS2 हो या फिर ऐसे हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वहाँ पे कोटेशन देंगे। तो इसके लिए कोटेशन क्या है, प्री मेच्योर एक्शंस आर लाइक क्लोजिंग अ बुक बिफोर रीचिंग द फाइनल चैप्टर, एम्ब्रेस द अनफोल्डिंग नैरेटिव ऑफ लाइफ। तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसका क्या मतलब निकल के आता है, इमेजिन करिए आपके पास कोई किताब है, आपने कुछ पन्ने पढ़े, मे बी आपको एक्साइटेड ना लगा हो और आपने उस किताब को बंद कर दिया, लेकिन आपने कुछ फाइनल चैप्टर्स जो है वो नहीं पढ़े, और हो सकता है कि मे बी उसके अंदर क्लाइमेक्स हो और जो मेन थीम हो वो उसी के अंदर हो, तो आपने उस पोर्शन को मिस कर दिया और आपने कंक्लूड कर ली जो सही नहीं है। तो यही इसका कोटेशन का मतलब निकल के आता है। दूसरी लाइन देखिए, एम्ब्रेस दी अनफोल्डिंग नैरेटिव ऑफ लाइफ। दोस्तों आपको पता है कि हमारी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, हम अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें चैलेंजेस आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। उस समय में हमको अपना जो एटीट्यूड है वो किस तरीके से रखना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो घबरा जाते हैं चीज़ों को लेके, और मे बी वो स्टेप बैक नहीं करते। हम बार बार कहते थे ना आपको कि रेजिलियंस रखना चाहिए। रेजिलियंस क्या होता है, कि बाउंस बैक करने की क्वालिटी। जब भी लाइफ आपको धक्का दे तो आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए कि नहीं, मैं फिर से उठ खड़ा होऊंगा और लड़ूंगा। तो ये रेजिलियंस होता है। तो आपके अंदर एटीट्यूड क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस की। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में कि जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इवेंट हो जाता है, आप उसको एक्सेप्ट करिए, और आपको ये एटीट्यूड रखना ही पड़ेगा। ये जो ओपननेस वाला एटीट्यूड है, जो ओपननेस किसकी तरफ, जो अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं उसकी तरफ, तो आपको ओपननेस होना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप घबरा गए, अदरवाइज़ आपने सोचा कि नहीं यार ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है, शायद मेरे अप्रोच से बाहर है और मुझे कुछ करना नहीं चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं आप वहीं पे रुक जाओगे। सो देर इज़ नो प्रोग्रेस एसोसिएटेड विद दैट, ठीक है। तो आपको कैसा अप्रोच रखना चाहिए, आपको एक्सेप्टेंस का अप्रोच रखना चाहिए और ओपननेस का अप्रोच रखनी चाहिए अपनी लाइफ में। ओपननेस मतलब जो अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स हैं आपके लाइफ में हो रही है उसकी तरफ। तो यही चीज़ हमने अपने इंट्रोडक्शन में लिखी है, आप देखिए पढ़िए, द प्रोवर्ब सर्व्स एज अ कॉल फॉर अडॉप्टिंग एन एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस एंड ओपननेस टुवर्ड्स द अनप्रेडिक्टेबल एंड इवॉल्विंग नेचर ऑफ लाइफ, एनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू लेट गो ऑफ द नीड फॉर रिजिड कंट्रोल एंड इंस्टेड कल्टिवेट अ माइंडसेट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेप्टेंस एंड अप्रिसिएशन फॉर द जर्नी दे आर ऑन। इसका ये मतलब है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लाइफ में जो इवेंट्स है वो अनप्रिडिक्टेबल है, आपके कंट्रोल में तो है नहीं, लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका रिजिड एटीट्यूड है, मैं भगवान के हाथ में भी नहीं है ये सारी चीज़ें, तो लाइफ की जो ब्यूटी है ना वो इसी में है कि चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल है, आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो आपका माइंडसेट है, ये फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो माइंडसेट है, एक्सेप्ट करने वाला जो माइंडसेट है, ये इससे डेवलप होता है।
ओके और आप इस जर्नी को भी अप्रिशिएट करते हो ना, तो इमेजिन करिए कि अगर हर किसी को पता हो कि आगे क्या होने वाला है तो वो किस तरीके से चीज़ों को मैन्यूवर कर सकता है, तो यू थिंक योर लाइफ विल बी एक्साइटेड? नहीं ना, बिल्कुल एक्साइटेड नहीं, वो डल होगी, बोरिंग होगी। तो इससे हमें क्या मिलता है कि जो लाइफ की जर्नी है उसको अप्रिशिएट करने की एबिलिटी जो है हमारे अंदर डेवलप होती है। नेक्स्ट देखिए, इन अ वर्ल्ड दैट ऑफन मूव्स एट अ रैपिड पेस द प्रोवर्ब इन्वाइट्स अ मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन बिफोर इंगेजिंग इन डिस्कशंस ऑफ डिविजन और जजमेंट। ये वही वाली बात नहीं, डायरेक्टली वो चीज़ बताता है कि जो मछली है पानी में है और आप उसके नौ नौ टुकड़े करने के लिए तैयार हैं, यानी कि आपने पहले डिसाइड कर लिया है लेकिन मछली अभी पानी में है, यानी कि आपका जजमेंट जो है वो पहले तैयार है। लेट दिस फिश कम आउट ऑफ वाटर एंड देन डिसाइड व्हाट इट शुड बी डन, कि आपको उसके नौ टुकड़े करने हैं या फिर आपको उसको बेचना है, हो सकता है बेच के आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो ऐसे ही है कि हम पहले ही जो है फैसला ले लेते हैं, जजमेंट ले लेते हैं, वो सही भी नहीं हो सकता है। एट इट्स कोर दिस प्रोवर्ब एम्प्लॉयज द मेटाफर ऑफ अ फिश इन वाटर टू रिप्रेजेंट सिचुएशन और इवेंट दैट इज स्टिल अनफोल्डिंग। दोस्तों इसी मुहावरे में से आप दो चीज़ों को उठाइए, एक मछली को और दूसरा पानी को। मछली यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा एक ऐसे इवेंट के बारे में जो अभी भी प्रोग्रेस में है, जिसका आउटकम नहीं आया है। पानी क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे? पानी एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमारी जो लाइफ की जर्नी है ना उसकी फ्लूडिटी के बारे में रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फ्लूडिटी मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में आएंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स जो होंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो सारी चीज़ें तो होनी है, तो पानी यहाँ पे उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फिश क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? एक ऐसा इवेंट जो अभी भी प्रोग्रेस में है। इमेजिन करिए दोस्त कि जो हमारे प्री मैच्योर एक्शंस या डिसीजंस हैं वैसे इवेंट के बारे में जो अभी भी प्रोग्रेस में है, तो उससे क्या, तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है? उसका रिजल्ट ये हो सकता है कि दैट मे डिस्टर्ब द नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट्स, कि जो चीज़ जैसी होनी चाहिए थी वैसे नहीं होगी और मे बी वो चीज़ ख़राब निकल के आए। यानी कि जो फ्लूडिटी ऑफ लाइफ जर्नी है, यानी कि ज़िंदगी को जैसे चलनी चाहिए थी हमने उसके ऊपर कंट्रोल किया, हमने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से हम इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं और ये हो सकता है कि और भी ज़्यादा ख़राब निकल के आए, इसका आउटकम जो है और भी ज़्यादा ख़राब निकल के आए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो कहावत है ना, इस कहावत का एसेंस एक अलग मीनिंग में अगर हम निकालें तो हमें ये भी समझ में आता है कि इट इज़ अ कॉशन अगेंस्ट प्री मैच्योर डिविजन, यानी कि इट सेट्स वार्निंग अगेंस्ट इम्पेशेंस। इम्पेशेंस क्या, याद करिए अभी हमने क्या बात करी थी कि जो हम प्री मैच्योर डिसीजंस लेते हैं वो तो इम्पेशेंस का ही रिजल्ट है ना? तो इम्पेशेंस से क्या क्या हो सकता है? हमने पहले ऐसे में बात किया था कि पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो जो रिज़ल्ट लॉजिकली जैसा होना चाहिए, जो हम कहते हैं ना कि एक लॉजिकली कंक्लूजन पे इसको एंड होना चाहिए था, हो सकता है वैसे एंड ना हो, वो ख़राब हो जाए। तो ये क्या करता है कि इट्स अ वार्निंग अगेंस्ट इम्पेशेंस, और ये इसकी इंपॉर्टेंस को भी दिखाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ अलाउिंग इवेंट्स टू अनफोल्ड ऑर्गेनिकली। मतलब जो चीज़ जैसे होनी चाहिए वैसे उसको होने देना चाहिए, हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हमें इतना पेशेंस तो हमारे अंदर होना ही चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब इसी बात को आप अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट करके देखिए। मैंने आपको बार बार बताया, जब भी कोई ऐसे आता है ना, आप अपनी लाइफ से, मानव जीवन से उसको रिलेट करिए, आपका ऐसे जो आपके आपको बहुत सारा कंटेंट वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पर्सनल रिलेशनशिप में हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? दोस्तों कई बार होता है ना, जो हमारे भाई बहन, कजन्स या फ्रेंड्स आप बोल लीजिए, जिनसे बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं, और ओपन होने का नतीजा ये भी है ना कि हम उनकी बातें तो सुनते तो हैं लेकिन उनको जवाब भी दे देते, हो सकता है कुछ हार्श वर्ड भी दे दें, हमको लगता है चलो भाई चलता है, अपना ही आदमी है, कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हर कोई इंसान जो है ना वो उस चीज़ को वैसे इंटरप्रेट नहीं कर सकता, हो सकता है कि वो उसको ख़राब तरीके से ले ले, हो सकता है आपकी बात का बुरा मान जाए, तो इसे पर्सनल रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है। इसलिए जो हास्टली फॉर्म जजमेंट्स यानी कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले हैं, हमको उस तरीके से फैसले नहीं लेना चाहिए, सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को नहीं सोचनी चाहिए बल्कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचना चाहिए। अगर आप सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचेंगे तो आप सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे, आप सिर्फ अपने आप को सही कर पाएंगे, आपके नज़रिए में बाकी सब गलत है। यानी कि किसी एक चीज़ के ऊपर आपके विचार अगर डिफ़र करेंगे ना तो आपको लगेगा कि सामने वाला गलत है, बट नहीं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचिए, उसकी सिचुएशन को समझिए, हो सकता है कि मे बी वो आपसे डिफ़र करता हो लेकिन वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों के लिए वो सही बात कर रहा है। तो दोस्त जब हम अपने तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, अपने तरीके से चीज़ों को करते हैं और जल्दबाजी में फैसले लेते हैं तो पर्सनल रिलेशनशिप यहाँ पे ख़राब होता है। और सिमिलरली आप प्रोफेशनल रिलेशनशिप के बारे में भी बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जब अगर हमने कोई भी डिसीजंस लेना है तो उसमें रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। जो भी हम डिसीजन लेने वाले हैं हम उसको इस तरीके से देख सकते हैं कि क्या वो डिसीजन पहले किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है और उसका क्या रिज़ल्ट आया है।
ठीक है। तो अगर हम थॉरोली उन चीज़ों को एग्जामिन करें और उन उसका आउटकम देखें, तब हम अपना इनिशिएटिव लें, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज हमने कहीं ना कहीं वो फीडबैक मैकेनिज्म वाला जो लूप है ना, उसको कंप्लीट किया है। फीडबैक मैकेनिज्म लूप क्या होता है कि देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि आपने सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। सिस्टम में हम इनपुट देते हैं और वहाँ से आउटपुट आता है, और फिर वो आउटपुट क्या होता है कि उसको एक फीडबैक लूप की तरह हम ले जाके इनपुट में देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सिस्टम है, ये डब्बा जो है वो सिस्टम है, यहाँ पे इनपुट है और ये हमारे पास आउटपुट है, ठीक है। ये आउटपुट मिला, फिर इसको जो भी आउटपुट मिला हम इसको वापस से इनपुट में दे देते हैं और इसको हम कहते हैं फीडबैक, ठीक है। ये फीडबैक सिस्टम की खासियत ये होती है ना कि अगर ये जो फीडबैक है ये नेगेटिव रहे, ये फीडबैक नेगेटिव रहे तो हमारा सिस्टम स्टेबल आउटपुट देता है। ये जो फीडबैक है ये पॉजिटिव रहे तो हमारा सिस्टम जो है वो नेगेटिव आउटपुट देता है। इसको आप अपनी लाइफ में भी इमेजिन करिए कि जो नेगेटिव फीडबैक्स होते हैं हमारी लाइफ के, वो पॉजिटिव आउटपुट दे सकते हैं। कैसे? कि मान लीजिए अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा हो, आपको लगे मेरे बारे में भला बुरा बोल रहा है, लेकिन दोस्तों आपकी कमियों को वो बता रहा है, तो ये जो नेगेटिव चीज़ है ना, अगर आपको रियलाइज़ हो कि हाँ सामने वाला बंदा मेरी नेगेटिव चीज़ों को बता रहा है, आप उस पर काम करोगे, इम्प्रूव करोगे और आपका आउटकम क्या होगा, वो बेहतर निकल के आएगा, यानी कि पॉजिटिव आउटकम। सोचिए जो लोग आपके बारे में सिर्फ अच्छी बातें करते रहते हो, तो उससे आपको लगता है कि आपके अंदर कोई इंप्रूवमेंट आएगी? नहीं, हो सकता है वो अपना काम निकाल रहा हो आपसे, तो पॉजिटिव बातें कर रहा हो, आपके सामने मक्खन मलाई वाली बातें कर रहे हो और आप भी खुश हो, बस हो गया, लाइफ ऐसे ही कट जाएगी। तो दोस्त, अगर आपके आसपास के लोग आपके बारे में बुरा भला कह रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए कि क्या उसमें सच्चाई कितनी है। अगर सच्चाई नहीं है तो उसको इग्नोर करिए, अगर हाँ उसमें सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करिए, और वो जो नेगेटिव चीज़ है ना वो आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाएगी। नेक्स्ट देखते हैं नर्चरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन। दोस्तों, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है यानी कि मैच्योरिटी और कंपैशन, जिसको हम कहते हैं दया करुणा का जो भाव होता है, ये सब अचानक से डेवलप नहीं होता है, इनको समय लगता है। जैसे जैसे हम लाइफ में चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, वैसे वैसे इन चीज़ों का डेवलपमेंट हमारी लाइफ में होता है, ठीक है। तो फिश भी तो यही एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है ना, इट रिप्रेजेंट्स द डेप्थ ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। जो हमारे मानव जीवन के अनुभव हैं वो उसी को तो रिप्रेजेंट करता है, एंड इट रिक्वायर्स कंपैशनेट एंड पेशेंट अप्रोच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ लेसन इन माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का क्या मतलब होता है दोस्तों? जो आपका अवेयरनेस है ना, अवेयरनेस जो क्यूरियोसिटी है आपकी, तो वही इसी की बात हम कर रहे हैं। हम बार बार फिश को एज एन एग्जांपल ले रहे हैं और वो क्या रिप्रेजेंट करता है मेटाफोरिकली, तो उसी के अनुसार हम अपना ऐसे कर रहे हैं, ठीक। फिश यहाँ पे किसका सिंबल है? इट इज़ अ सिंबल ऑफ अनटैप्ड पोटेंशियल। अनटैप्ड पोटेंशियल मतलब ऐसा पोटेंशियल, मतलब हमारे अंदर जो कह लीजिए कि वैसी क्षमता जिसको हमने एक्सपीरियंस अभी तक नहीं किया है, ठीक है। तो इंडिविजुअल के अंदर भी होता है, जैसे कि कोई इंडिविजुअल अटेंटिव है, अटेंटिव मतलब कि वो अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस ले रहा है, वो डिसीजंस ऐसा नहीं है कि वो एक हास्टेड डिसीजंस है, मतलब उसके मन में आया तो उसने वो डिसाइड किया कि हाँ मुझे ये करना है, नहीं। तो वो आप समझ लीजिए कि उसने जो भी डिसीजन लिया ना, उसके पीछे उसका एक अवेयरनेस है, यानी कि उसने चीज़ों को नाप तोल के देखा है, तो माइंडफुल डिसीजन मेकिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो वही उसका जो कॉन्शियस अवेयरनेस था प्रेजेंट का, उसने उन चीज़ों को नाप तोल के देखा और तभी एक बेहतर डिसीजन लिया और एक बेहतर रिजल्ट की वो अपेक्षा भी करता है अपनी ज़िंदगी में, ओके। तो ये जो अनटैप्ड पोटेंशियल है हमारे अंदर, जो फिश के अंदर एक अनटैप्ड पोटेंशियल जो रिप्रेजेंट करता है, एक इंडिविजुअल के अंदर भी होता है, तो वो एक्सपीरियंस के साथ वो चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। और फिर ये इस बात को एक्नॉलेज करता है, हमारे जो भी जितने भी सवाल हैं उन सवालों के जवाब जो है वो इमीडिएट नहीं है, इट टेक्स टाइम टू फ्लरिश। लेकिन वही एक दूसरा इंडिविजुअल है जो चीज़ों को नाप तोल के नहीं देखता और ही टेक्स प्री मैच्योर एक्शन, तो दिस इज़ नॉट एक्शन, एक्चुअली दिस बिकम्स अ रिस्क। रिस्क क्या? वही चीज़ की वो जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहा था, उसका कॉन्शियस अवेयरनेस था उस चीज़ को लेके, और वो इस चीज़ को एक्नॉलेज भी करता था कि हाँ सभी चीज़ों के आंसर्स जल्दी नहीं मिल पाते, इमीडिएट नहीं मिल पाते, इट टेक्स टाइम। बट प्री मैच्योर एक्शन से ये सब चीज़ें जो है इनका तो सवाल बनता ही नहीं है। बट अगला है एजुकेशनल एप्लीकेशन, ये आपके लिए है, आप इसको बेहतर रिलेट कर पाएंगे। तो हम कहते हैं ना कि आप अपनी जो जर्नी है उसको एंजॉय करिए, डेस्टिनेशन के बारे में मत सोचिए। तो ये वही है, रिकॉग्नाइजिंग दैट जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी मतलब आपका सपना है, आप PCS या IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो इट विल टेक टाइम, ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, अचानक से तो हो नहीं जाएगा। इट प्रमोट्स अ लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर द जर्नी इज वैल्यूड एज द डेस्टिनेशन। आपके दिमाग में जब तक ये बात गहन नहीं करती कि हाँ जो मैं करने वाला हूँ इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रोसेस, और ये प्रोसेस जो है ना ये लर्निंग प्रोसेस है, आप जब तक इस चीज़ को एंजॉय नहीं करोगे तब तक आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचोगे। आप सपने देखते रहिए कि हाँ मैं अपना डेस्टिनेशन पा लूँगा, लेकिन अगर आपका प्रोसेस पे इतना ज़्यादा जोर नहीं है तो आप नहीं पहुँच सकते, ठीक है। तो जो जर्नी है ना हमारा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम उसकी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं।
और सेम चीज़ यहाँ पे आप प्रैक्टिकली अगर इस चीज़ को समझाना चाहें जो हमने अभी तक इतना डिस्कशन किया, तो सिंपल भाषा में अगर आप इसको पुट करें तो ये क्या हो सकता है कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकर्स मतलब आप हैं या कोई और भी है, अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो जो कुछ भी करना चाहते हैं ना, उसके पहले वो थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे, देन दे विल टेक द इनिशिएटिव। तो सोच समझ के प्लानिंग के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे एंड देन दे विल गो फॉर दैट। यही है कि थोरो असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन, हम सिचुएशन की गहराई को समझते हैं, इवेलुएट करते हैं एंड देन वी डिसाइड व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू। इतना समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखे, इनकरेजेस लीडर्स टू कंसिडर द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शन। तो ऑब्वियसली है ना, जो डिसीजन मेकर्स हैं अगर वो कुछ भी करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज जो उसके होने वाले हैं उसको भी कंसिडर करेंगे, ना कि उसके इमिडिएट बेनिफिट को ही सिर्फ देख के चल पड़ेंगे। ओके, इतना समझ में आ गया आपको? चलिए अब कंक्लूजन देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जितना आपका इंट्रोडक्शन और बॉडी पार्ट इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा आपका कंक्लूजन भी इंपॉर्टेंट होता है। कंक्लूजन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन नहीं लिखा ना, तो ये बहुत ही ख़राब इंप्रेशन क्रिएट कर देगा। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर जो है वो जिस फ्लो में आपका आंसर स्टार्ट करता है, उसी फ्लो में आंसर जो है वो ख़त्म करता है, लास्ट 12वां पैराग्राफ। बीच में हो सकता है उसका फ्लो टूट गया हो, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन ज़रूर लिखिए, यानी कि आपने जितना कुछ लिखा है अपने मेंस बॉडी पार्ट में, उसको थोड़ा समराइज करिए अलग भाषा में, और वो आपका कंक्लूजन हो जाता है। और वे फॉरवर्ड लिख दीजिए पॉजिटिव टोन में, ठीक है? यहाँ पे देखिए कंक्लूजन क्या लिखेंगे। इन अवर बिजी वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग हैपन्स फास्ट, The saying tells us an important lesson. We should take our time and not rush into decisions. आज की दुनिया में जहाँ हर चीज़ बहुत ही तेज़ी से हो रही है, ये जो प्रभाव है ये बताता है कि हमें कुछ समय लेना चाहिए और हमें अपने फैसले जो है जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। When we rush into making choices without knowing everything, it can lead to problems. Obviously, बिना जाने हुए अगर हम किसी चीज़ पे फैसला करेंगे तो ये problems create करेगा ही। The saying is like wise advice from people who understand that making good decision takes time and thought. ये प्रोवर्ब इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज्ञानी मनुष्य इस बात पे जोर देता है कि कोई भी डिसीजन अगर लिया जाए, अगर वो बिना सोचे और समझे लिया जाए, तो वो कभी भी सही डिसीजन नहीं हो सकता, ठीक है? बिकॉज गुड डिसीजन टेक्स टाइम्स एंड थॉट। इट इज़ अ रिमाइंडर टू स्लो डाउन एंड वेट फॉर द फुल स्टोरी। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी ज़िंदगी में ठहराव की ज़रूरत है, वहाँ सोचने और समझने की ज़रूरत है। By doing this, we can make choices that are fair to everyone involved. ऐसा करने से क्या होगा कि हम वैसे choices बनाएंगे जो सबके लिए fair हो। जैसे कि आप imagine करिए कि वो जो fish था वो भी पानी में था और हम उसके टुकड़े करने की बात कर रहे थे। आपको लगता है कि हम कहीं ना कहीं वो justice वाली बातें कर रहे थे? नहीं ना। हो सकता है किसी को ज़्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता, या फिर वो मछली मर जाती या चली जाती कहीं, तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता। तो इट वॉज़ नॉट फेयर एट ऑल, ओके? बट जब चीज़ें क्लियर होगी, जब मछली पानी से बाहर आ जाए, तब आप डिसाइड करिए हाँ, सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। वी अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स एंड बेटर अंडरस्टैंड द सिचुएशंस वी फाइंड अवरसेल्व्स इन, ठीक है? तो ये समझ में आ गया कि हम गलतियाँ करने से बचते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट्स ऑल्सो अबाउट फाइंडिंग जॉय एंड ग्रोथ इन द अनफोल्डिंग स्टोरी ऑफ वंस लाइफ इवन वेन फेस्ड विद अनसर्टेनिटीज एंड द अननोन। अब तो हमने पेशेंस की खूब सारी बात कर ली, लेकिन दोस्त पेशेंस हमने जैसे बताया था ना कि वो पैसिव स्टेट नहीं है, एक एक्टिव चॉइस होती है। और इसी दौरान जब आप पेशेंस रहते हो ना, थोड़ा सा समय लेते हो चीज़ों को, तो वो जो जर्नी है वो बोरिंग नहीं होनी चाहिए, आपको उसको एंजॉय करना भी आना चाहिए। और जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी अनसर्टेनिटीज़ हो जाएँ जो एक सेटबैक के रूप में आपके लिए काम करे, तो रिमेंबर वन थिंग कि आप कन्फ्यूज मत होइए, यू हैव टू बी रेजिलियंट। आपके अंदर वो बाउंस बैक करने की क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए, किसी भी फील्ड में अगर आप हैं तो वो क्वालिटी को आप मेंटेन ज़रूर करिएगा, ओके? ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और इसीलिए मैं हर जगह इस पर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इंसान के अंदर समय के साथ साथ इस चीज़ का डेवलपमेंट जो है वो होना चाहिए। तो दोस्तों आज का हमारा ये ऐसे ख़त्म होता है। ये ऐसे था भी बहुत ज़्यादा बड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो हमने ऐसे अभी किया है वो सिर्फ एक टॉपिक तक सीमित रह जाता है। आप मिला उला के देखिए तो कहावतें जो हैं वो बहुत सारी कहावतें अलग अलग भाषाएं में बोली जाती है, लेकिन उसका अगर आप थीम समझ गए जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है, तो उस थीम पर आप बहुत सारे ऐसे लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसके जो भी मैंने आपको पहलू बताए हैं इसके ऊपर आप बहुत सारे ऐसेज लिख सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये जो सिर्फ एक स्पेसिफिक नहीं है, इसी के रिलेटेड, इसी कहावत के रिलेटेड, ओके? तो दोस्तों अभी जो हमारा ये 68th BPSC मेंस में जो सवाल पूछे गए थे, हम अभी फ़िलहाल वही कर रहे हैं, और बाकी भी ऐसे जो है जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे ऐसे हैं, और वैसे ऐसे जो बहुत कॉमन है पूछे जा सकते हैं, तो वैसे ऐसे भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं।
बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर और क्या क्या कंटेंट यहाँ पे इस चैनल पे आएंगे। दोस्तों आप वेट करिए, ऐसे बहुत सारे यूनिक कंटेंट मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, और मैं ये गारंटी देता हूँ ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जो पेड कोर्सेज होते हैं वो भी इस तरीके से नहीं पढ़ाएंगे आपको, पर उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे हमारे लिए मोटिवेशन रहेगा। और आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और आपका जो फीडबैक है ना वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि हम चीज़ों को कैसे इम्प्रूव कर पाएँ और कितना अपने कंटेंट को और बेहतर बना पाएँ। ठीक है दोस्त, एंजॉय करिए इस ऐसे को, और हम जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में दूसरा ऐसे लेके। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।